मेरे विद्यार्थियों, आरसी एज हम बांसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 के अंदर हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमाणु का टॉमसन मॉडल। तो ये अपनी स्टार्टिंग है चैप्टर 14 की, और ये है अपना परमाणु का टॉमसन मॉडल। इस चैप्टर में हम दो तीन जो मॉडल हैं उस पर अध्ययन करेंगे। पहला आएगा टॉमसन मॉडल, फिर आएगा रदरफोर्ड का मॉडल, तीसरा आएगा बोर मॉडल। ये कुछ मॉडल्स हैं, हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, परमाणु के बारे में सबसे पहले जो टॉमसन था, टॉमसन या थॉमसन का हो, ये एक वैज्ञानिक हुआ था। टॉमसन ने या थॉमसन ने परमाणु के बारे में अपना विचार दिया, अपना मॉडल दिया। देखो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा इनके अनुसार, टॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु 10^10 मीटर त्रिज्या, 10^-10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेश गोला होता है। मतलब इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है वो इतने मीटर त्रिज्या का एक धनावेश गोला होता है, और इस पूरे धनावेश गोले में इस परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश इसमें एक समान रूप से वितरित होता है। जैसे हमने बताया कि माना ये परमाणु मान लेते हैं, और माना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से। तो उन्होंने बताया कि परमाणु एक धनावेश गोला होता है, और इसमें इसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है, जो संपूर्ण जो इसका धनावेश है, वो एक समान रूप से वितरित रहता है। इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है, उस आवेश को संतुलित करने के लिए इसमें जो है इसका धनावेश इसके बराबर होता है। फिर इसने बताया, टॉमसन ने बताया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से वितरित होते हैं जिस तरह से तरबूज में बीज होते हैं और पुडिंग के अंदर आलू बुखारे होते हैं। इसलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। यानी कि माना से क्वेश्चन आ गया कि भाई टॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इस मॉडल में इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से वितरित होते हैं जिस तरह से तरबूज में बीज होते हैं और पुडिंग में आलू बुखारे होते हैं, इसलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। फिर आगे आता है, इस मॉडल के अनुसार, यानी इसने क्या तथ्य दिए, तो इसके अनुसार जब किसी धातु को गर्म किया जाता है या ताप दिया जाता है, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट दिया कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं, उनका पहला क्या था, उन्होंने ये बताया कि जब किसी हम धातु को ताप दिया जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। दूसरा इन्होंने पॉइंट दिया कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब कंपन करते हैं तो वो एक प्रकार से प्रकाश के रूप में विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। ये इन्होंने बताया इसके बारे में। इसके बाद में अब इसके निष्कर्ष की बात करें कि भाई इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाले, तो अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। टॉमसन मॉडल के निष्कर्ष, देखो नंबर एक पर बात करेंगे निष्कर्ष की। उन्होंने बताया इस मॉडल से निष्कर्ष निकलता है कि इस जो गैसें होती हैं, उन गैसों को हम इसके द्वारा जो आयनीकरण है वो आयनीकरण कर सकते हैं। मॉडल कहता है कि हम गैसों के आयनीकरण के बारे में उन्होंने अपना सफल अपना विचार दिया कि हम इसी मॉडल की हम सहायता से गैसों का आयनीकरण कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला, दूसरा उन्होंने बताया इस मॉडल की सहायता से हम तापायनिक जो उत्सर्जन है, प्रकाश जो उत्सर्जन है, और अब प्रकाश धारा का प्रभाव है, हम उनका भी इसके द्वारा या हम इस मॉडल की सहायता से इनको प्रभाव को भी हम समझ सकते हैं, उनको समझाया जा सकता है। ये थे इनके निष्कर्ष। तो पहला समझ गया, पहला क्या था कि हम इस मॉडल की सहायता से गैसों के आयनीकरण की सफल व्याख्या की गई। दूसरा निष्कर्ष है
इस मॉडल की सहायता से तापायनिक उत्सर्जन कोमा प्रकाश ये उत्सर्जन व प्रकाश धारा प्रभाव को समझाया जा सकता है। ये इसका इसके निष्कर्ष है। और अब इसके बाद में हम इसकी कमियों की बात करेंगे भाई, इस मॉडल की कमियां क्या रही। तो कमियां टॉम्स ने मॉडल से कमियां क्या रही, देखो नंबर एक पर हम बात करें इस कमियों की। देखो नंबर एक पर क्या है, परमाणु से जब प्रकाश का उत्सर्जन होता है, यानी परमाणु से जब प्रकाश का उत्सर्जन होता है तो ये माना गया कि भाई जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं तो उनकी आवृत्ति के अनुरूप प्रकाश तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। ध्यान दो कमियां ये रही पहली कि भाई जब किसी परमाणु से अगर प्रकाश रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो ऐसा माना गया कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब कंपन करते हैं तो उनकी कंपन आवृत्ति के अनुरूप प्रकाश तरंग उत्पन्न होती है। जबकि इस व्याख्या के अनुसार जो हमारा परमाणु होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में केवल एक ही रेखा प्राप्त होनी चाहिए, एक रेखा। जबकि वास्तव में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है हाइड्रोजन का उसमें बहुत सारी रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो यह जो परमाणु मॉडल है यह विभिन्न तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि यह जो मॉडल है वो विभिन्न तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरी बात यह है कि यह मॉडल अल्फा जो प्रयोग है, अल्फा कणों का जो प्रयोग है, यह मॉडल अल्फा कणों के प्रकटन के कारणों की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये दो कमियां रही। तो कमी पहली कौन सी है कि यह जो मॉडल है ये विभिन्न तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरी कमी है कि यह मॉडल अल्फा कणों के प्रकटन की उनके कारणों की व्याख्या नहीं कर सका। ये दो से कमियां रही हैं। तो बहुत सी ही शानदार टॉपिक है, एग्जाम में आता है। तो इसमें बस आपकी बात ध्यान रखने की भाई ये मॉडल क्या है, इसने क्या तथ्य दिए और इसे क्या कमियां रही हैं। तो हमने कमियां बताई आपको, इसके निष्कर्ष बताए आपको, इस प्रकार से आपको इसको ध्यान रखना है। और इसमें वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।